दिल्ली हाई कोर्ट का नियम है कि भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को गाने बेच सकते हैं। भैया खेसारी लाल यादव जी का जो गाना आने वाला था वो गाना अब फ्लॉप हो चुका है भैया। सब गाने पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगने वाला है। जो गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आया था उस पर भी स्ट्राइक लगने वाला है। स्ट्राइक क्यों लगने वाला है? क्योंकि कोर्ट में जो केस चल रहा था वो फाइनल हो चुका है। खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक के जैक्सन में जो केस चल रहा था वो फाइनल हो चुका है। फाइनल में ये हुआ कि खेसारी लाल यादव केस हार चुके हैं। हारने के बाद अब खेसारी लाल यादव अब कोई भी कंपनी से गाना नहीं निकाल सकते हैं, या सारेगामा हम भोजपुरी हो, या अनेक प्रकार के कंपनी, या खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड हो, या आदि शक्ति हो, कोई भी कंपनी से गाना नहीं निकाल सकते। गाना नहीं क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि एग्रीमेंट पे जो साइन हुआ था 2017 में एग्रीमेंट हुआ था, लगभग 200 गाने को खेसारी लाल यादव 5 करोड़ रुपया लिए हुए थे। 5 करोड़ में लगभग 200 गाना था, और कितना दिन में गाना था वो भी आपको बताएंगे। गाना था 30 मंथ में 200 गाना की बात करते तो 5 करोड़ रुपया लिए थे खेसारी लाल यादव। मगर वही 5 करोड़ रुपया का 200 गाना नहीं गाते, 30 महीना बीत जाता। इसीलिए ग्लोबल म्यूजिक किसी भी गाने पर स्ट्राइक मारकर गाना को डिलीट करवा देते थे। इसीलिए वो केसा उसा चल रहा था, मगर केस अब फाइनल हो चुका है। खेसारी लाल यादव जी केस हार चुके हैं, अब ग्लोबल म्यूजिक जीत गया है। मगर अब की बात करेंगे, खेसारी लाल यादव अब गाना नहीं गा सकते हैं। गा सकते हैं सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन से। आप लोगों के स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ, ये स्क्रीन सुनिए। 30 महीने के भीतर 200 गाने, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए। समझौते के तहत निर्मित सामग्री, गीतों की सभी बौद्धिक संपदा ग्लोबल म्यूजिक के पास निहित है। यादव ने समझौते की अवधि के दौरान ग्लोबल म्यूजिक के साथ विशेष रूप से काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुए और उन्होंने 7 फरवरी 2022 को मूल समझौते में एक परिशिष्ट में प्रवेश किया। इसके साथ व्यवस्था की अवधि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई थी। यह साफ तौर से लिखा हुआ है, जो 30 मंथ में जो गाना देना था 200 गाना, ग्लोबल म्यूजिक के साथ में वो गाना नहीं दे पाए खेसारी लाल यादव। करीबन 100 भी गाना नहीं दे पाए ग्लोबल म्यूजिक के साथ में, वो गाना 30 मंथ बीत जाते हैं। मगर 2022 में इनका रद्द होने वाला था एग्रीमेंट, मगर 2022 से अब 2025 तक इनको ले गया है। 30 सितंबर 2025 तक ये खेसारी लाल यादव किसी भी कंपनी से गाना नहीं गा सकते। चलिए भैया, ये खेसारी लाल यादव जी क्या क्या कर सकते हैं एग्रीमेंट में, आपको बताता हूँ विस्तार से। तो खेसारी लाल यादव जी स्टेज शो कर सकते हैं, या लाइव आ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हैं, और उसके बाद खेसारी लाल यादव मूवी में काम सकते हैं, मूवी में रोल कर सकते हैं, मूवी बना सकते हैं। मगर जो गाना गाते थे सारेगामा हम भोजपुरी से, चाहे कोई भी कंपनी से, खेसारी लाल यादव अब गाना नहीं गा पाएंगे। क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक साफ तौर से, अगर चाहेंगे ग्लोबल म्यूजिक खेसारी लाल यादव जी का सारेगामा हम भोजपुरी से गाना गाने के लिए, तभी गा सकते हैं, मगर ग्लोबल म्यूजिक के अंदर में हो गए हैं। भैया बात करते हैं 5 करोड़ रुपया का नीलामी है, क्योंकि 5 करोड़ में 200 गाना गाना था, मगर खेसारी लाल यादव नहीं गाए, इसीलिए आज खेसारी लाल यादव जी के साथ में ऐसा हरकत हुआ। चलिए भैया आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन दबा लीजिएगा।